आबकारी विभाग की ओर से कार्यवाही में जब्त की वाहनों की नीलामी की गई। राज्य आबकारी विभाग से जब्त वाहनों की नीलामी राज्य के आबकारी विभाग ने सोमवार को सरकार को नोटिस जारी करके नीलामी के माध्यम से 25 वाहनों की बिक्री की और राजस्व में 62,000 रूपए जमा किए। इंस्पेक्टर द्वारा आज 10 ऑटो रिक्शा और 15 दोपहिया वाहनों की नीलामी प्रक्रिया की। राज्य के आबकारी विभाग ने जब्त वाहनों को नीलाम करने की प्रक्रिया को कलेक्टर की मंजूरी के साथ और नागपुर से उपक्षेत्रीय परिवहन द्वारा और अतिसार अखबार में नोटिस दिया। पिछले 15 वर्षों में वाहनों को जब्त कर लिया गया है और उनके उत्पाद 20 से 25 वर्ष पुराने हैं। इस जब्त वाहन के नीलामी के माध्यम से 62,000 रूपए का राजस्व एकत्रित किया गया। 15 नीलामीकर्ताओं ने नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया और फखरुद्दीन खान जिन्होंने 62,000 की अधिकतम बोली लगाई उन्होंने मलबे के लिए इस वाहन पर कब्जा दिया गया। उपायुक्त मोहन वर्डे सर ने विभाग के अधिकारियों की बैठक में जब्त वाहनों की नीलामी के निर्देश दिए थे, साथ ही वाहनों को जब्त कर बरामद किया है। न्यायालय के आदेश और जानकारी को माध्यमिक निरीक्षक राहुल अम्बोर, ASI कवाड़े रामटेके, कांस्टेबल महादेव गंगा ने और महिला जवान रेशमा मेट द्वारा संकलित किया गया था। राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे गेल्या 15 ते 20 वर्षांमध्ये जी वाहनं जप्त केलेली आहेत दारूबंदीच्या गुन्ह्यामध्ये, ती वाहनं निर्लेखन करणं कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे अंमलबजावणी करून ती जप्त वाहनं लिलाव करून ती येणारी रक्कम शासन जमा करण्याचे आदेश विभागीय उपायुक्त मोहन वर्दे सरांनी दिलेले होते। त्या अनुषंगानं 10 ऑटो रिक्षा आणखी 15 मोटरसायकल वाहनं, स्कूटर इत्यादी वाहनं महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा 1949 मधील कलम आणि 101 नुसार मेहरबान न्यायालयाची आणि जिल्हाधिकारी साहेबांची मान्यता घेऊन, याचबरोबर जी वाहनं आहेत त्या वाहनांची मूल्यांकनाबाबतची माहिती उपप्रादेशिक परिवहन नागपूर यांच्याकडून घेऊन त्याची जाहीर लिलाव नोटीस काढण्यात आली होती आणि काल ती सर्व वाहनं भंगार विक्रेत्यांना बोलून घेऊन त्यांच्यासमोर लिलाव करण्यात आला आणि त्या लिलावामध्ये सर्वात जास्त बोली 62,000 रुपये इतकी फखरुद्दीन खान यांनी बोलल्यामुळं त्यांना ती वाहनं ताब्यात देण्यात आलेली आहेत आणि ती वाहनाचे नंबर प्लेट्स आणि चेसी नंबर काढून घेण्यात आलेले आहेत आणि ती वाहनं भंगार करून कट करून त्यांच्या ताब्यात देण्यात आलेली आहेत। या सर्व कारवाईमध्ये अधीक्षक सोनवण साहेब यांचे मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबवण्यात आलेली आहे आणि पूर्ण करण्यात आलेली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, NBC न्यूज।